मित्रों, एक दावा था कि आतंकवाद बढ़ जाएगा। 2004 से 14 के, मैं पुराने 90 के तो आंकड़े लाने बोलना भी नहीं चाहता। उसमें 2081 नागरिकों का मृत्यु हुआ था, प्रतिवर्ष 208, और 14 से 21 अब तक प्रतिवर्ष 30 लोगों की मृत्यु हुई। आतंकवाद कम हुआ है, पथराव अदृश्य हो गया है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर की शांति को जो लोग खलल पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके साथ सख्ती से निपटेंगे। ये जो विकास की यात्रा शुरू हुई है, इसमें कोई भी रूढ़ा नहीं डाल पाएगा, ये हमारा कमिटमेंट है। और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, मैं इसमें ज्यादा आंकड़ों में जाना नहीं चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अब तक 40,000 से ज्यादा, सब मिलाकर सेना, दहशतगर्द और नागरिक, सुरक्षाकर्मी, सेना, सब मिलकर 40,000 लोगों की जान गई है। इसे हमें खत्म करना है या नहीं करना है? दहशतगर्दी और विकास दोनों एक साथ संभव है क्या? आप बताइए मुझे, संभव है? हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। विकास की पहली शर्त है यहां शांति हो। और कौन इसको निकालेगा? सरकार निकाल सकती है क्या? ना भाई ना, सरकार तो प्रयास कर सकती है दहशतगर्दी को निकालने का। काम मेरे यूथ क्लब के आज मेरे सामने उपस्थित 45,000 युवाओं ने करना है, आप लोगों ने करना है। आप लोगों ने शांति और विकास का दूत बनकर समग्र जम्मू कश्मीर के युवाओं में संदेश लेकर जाना है कि ये रास्ता नहीं है हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का, ये रास्ता हो ही नहीं सकता। और पाकिस्तान की बात करने वालों को मैं कई जवाब दे सकता हूं, मगर मैं वो जवाब देने यहां नहीं आया। मैं तो मेरे युवा भाई बहनों के साथ बात करने आया हूं। मैं आपको पूछना चाहता हूं, पास में ही पाक ऑक्यूपाई कश्मीर है, हमें तो अभी जम्मू कश्मीर में जो विकास है इससे संतोष नहीं है, परंतु अभी भी यहां का जम्मू कश्मीर और पाक ऑक्यूपाई जम्मू कश्मीर का एक बार तुलना कर देना, क्या मिला? गरीबी के अलावे क्या मिला? अंधेरे के अलावे क्या मिला? धुएं के अलावे क्या मिला? आज भी घर में लकड़ियां और टहनियां जलाकर खाना पकाया जा रहा है, और यहां विकास के एक नए दौर की शुरुआत हो।